भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि मंडियों में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। उन्होंने एक गांव में चुनावी सभा में बोलते हुए कहा कि आज किसान महंगाई से परेशान है, उसका खाद, डीजल, ट्रैक्टर पार्ट्स आदि सब महंगा हो गया है और फसल के दाम उसे मिल भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सीट का चुनाव उनके और इंदुराज के लिए बहुत खास है क्योंकि यहां उनकी प्रतिष्ठा और इंदुराज की पहचान की बात जुड़ी हुई है। हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा हल्का ये प्रण लेगा कि इंदुराज को चुनाव जीता के चंडीगढ़ भेजा जाएगा। पूर्व सीएम ने लोगों से वोट देने की अपील भी की है। और ट्यूबवेल की बिजली 10 पैसे यूनिट थी और डीजल और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था किसान। आज क्या है, आज दिल्ली जाओ महाजगंड में बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े दिल्ली आ रहे कि दिल्ली में हरियाणा से सस्ता डीजल, पहला उल्टा लागे। किसान को क्या चाहिए, किसान को चाहिए अच्छा भाव, खाद, दवाई, बीज और भाई बिजली और पानी, ये चीज चाहिए। तो भाई ये लोग बता दिया रे, पानी की सुन लो, पानी भाई 10 साल राज रहा, काई ला दी थी सारे ला दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा और थारे को कहेगा मैं थारा तब मेरे और वोट लेगा। तो एक बात बताओ भाई, मैं थारा नहीं हूँ क्या, मैं तो मेरे नहीं होंगे यार, मैं कोई लाया जोड़ा हूँ क्या, मैं तो बता दो क्यों नहीं कहूंगा मैं, जब सुख सुख के साथी हम आज से नहीं, हमारे पीढ़ी पीढ़ी साथी रिश्तेदारी भाईचारा हर किस्म से वो है, तो आज कैसे बात होगी भाई, क्यों नहीं करोगे आपके माध्यम से। और ये बड़ौदा ये लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई ये इलाका और ये बड़ौदा हल्का भाई किसी का साथ नहीं जीता, क्या करता अपना।